I teach how to write answers as well. So उसके वजह से आपका 1 month और सिलेबस खींचता है, ठीक है। So जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमको बहुत Hello aspirants, my name is Doctor Huma Hasan and today I'm going to talk about sociology optional. First of all, we have to see that what is the most important factor which we should choose while opting our optional. So we should see that whether this subject which we are choosing is scoring or not. So in that respect, I'll begin my lecture. I would say that सोशियोलॉजी जो आपका डिसिप्लिन है, इट इज हाईली स्कोरिंग, ओके। व्हाई हाईली स्कोरिंग? जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है, इट विल हेल्प यू इन योर जीएस पेपर्स टू, ठीक है। सो सबसे पहले ये एसे में हेल्प करता है, हाउ? Because in sociology we need to deal with lot many thinkers. Okay, so Renaissance philosophers को हम discuss करते हैं in depth, हम enlightenment discuss करते हैं। Definitely एक important topic है sociology को समझने के लिए, क्योंकि sociology में हम society को समझते हैं, ठीक है। Religion किस तरीके से evolve हुआ, religion में अगर कुछ भी changes आते हैं तो कैसे उसका impact economy में भी पड़ता है, polity में भी पड़ता है। तो बहुत ही interconnected और interesting subject है। So as I have said कि enlightenment को भी पढ़ते हैं, तो it's mean कि ऐसे में कैसे help होगा, क्योंकि आप बहुत सारे philosophers पढ़ेंगे। Okay, so you are going to read about lot many philosophers from definitely 14th century onwards till 18th to 19th century, और उससे पहले भी आप बहुत सारे western philosophers पढ़ते हैं, जैसे कि एरिस्टोटल हो गए, सोक्रेटिस हो गए, प्लेटो हो गए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको ऐसे में हेल्प करेंगे, प्लस आपके जीएस पेपर 4 को हेल्प करेगा क्योंकि उसमें एथिक्स का पोर्शन है। आपका GS 1 जो कि इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड है, उसमें भी काफी हेल्प मिलती है सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ। डेफिनेटली आपको पर्सनालिटी टेस्ट में भी हेल्प करेगा। सो यू वुड सी ऐसे एथिक्स E2 डेफिनेटली योर ऑप्शनल, राइट, और आपका पर्सनालिटी टेस्ट। आपके पर्सनालिटी टेस्ट में भी काफी हेल्प होता है, ओके। सो ये एक सब्जेक्ट फिर आपका एक स्मार्ट चॉइस होगा अपने यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन के लिए, ओके। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आपका जो सिलेबस है 3 months में डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा, बट फिर भी आप 1 month और एक्स्ट्रा लेके चलिए फॉर आंसर राइटिंग, बिकॉज आंसर राइटिंग और जैसे जैसे टॉपिक्स कंप्लीट होता रहता है, वैसे दिस इज माय अप्रोच, आई टीच हाउ टू राइट आंसर्स एज वेल। सो उसके वजह से आपका 1 month और सिलेबस खींचता है, ठीक है। सो जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमको बहुत स्मार्ट अप्रोच यूज करनी होती है, क्योंकि everything which is we are reading, you know, everything whatsoever we are reading, it is very much part of your society. For instance, अभी menstrual paid leave में बहुत discussion चल रहा है, live in relationship को लेके discussion चल रही है, ये सब sociology के syllabus में हम discuss करते हैं, ठीक है। So एक ये point है। So किस तरीके से हमको अपनी approach रखनी चाहिए? पहले तो हमने ये समझ लिया कि scoring कैसे है, अब इसको sociologically ready कैसे करना है। तो आई वुड से अगर बच्चे ने सोशियोलॉजी आपका जो पेपर 1 है, आपका सोशियोलॉजी पेपर 1 में जो आपका पहला टॉपिक है, दैट इज मॉडर्निटी, सोशल चेंजेस एंड एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ये आपका पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री है, जो कि आप जीएस में पढ़ते ही हैं। बस इसमें हमको सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सो ये आपका एक टॉपिक हो गया। दूसरा आपका बहुत इजी है, जो कि एक दिन में खत्म हो जाता है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड इट्स रिलेशन विद अदर डिसिप्लिन्स। देन आपका थर्ड टॉपिक है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। तो सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस ये आपका टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपका सोशियोलॉजी का बेस बन जाता है। फिर उसके बाद जो आपका टॉपिक 2 है, दैट इज योर टॉपिक 2 एंड 3। सो योर टॉपिक 2 इज सोशियोलॉजी एज साइंस। आपका टॉपिक 3 इज रिसर्च एंड मेथड्स। फिर आपका जो टॉपिक है सोशियोलॉजिकल थिंकर्स। ओके, ये जो आपका टॉपिक है, दैट्स मीन टिल टॉपिक 4 आपको काफी स्लोली अपनी अप्रोच से इस टॉपिक्स को डील करना है। ओके, वो आई विल ट्रेन, ट्रस्ट मी। सिर्फ और सिर्फ टॉपिक 4 तक आपके लिए सोशियोलॉजी लिटिल न्यू डिसिप्लिन लगेगा। बहुत सारे थिंकर्स हम पढ़ते हैं, समझते हैं, ओके। लेकिन जैसे आप थिंकर्स कंप्लीट कर लेते हैं, कार्ल मार्क्स, इमैनुएल, मैक्स वेबर, ये जितने भी थिंकर्स हैं आपके, रॉबर्ट मर्टन, टैलकॉट पार्सन, ये जब आप थिंकर्स को पढ़ लेते हैं, आपके सोशियोलॉजी का बेस बहुत सॉलिड वे में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सब कुछ अप्लाइड है। इकोनॉमी और सोसाइटी, इकोनॉमी में क्या आ रहा है, डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ, कोविड-19 सिचुएशन में माइग्रेंट लेबर को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, पॉवर्टी क्या है, सोशल चेंजेस कैसे सोसाइटी में एक ह्यूज इम्पैक्ट लेके आते हैं, एनवायरमेंट बदल रहा है तो सोसाइटी में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। तो टॉपिक 4 है आपका। उसके बाद आपका टॉपिक 5 सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, टॉपिक 6 वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ है, फिर टॉपिक 7 पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी है, फिर टॉपिक 8 में आप किनशिप, फैमिली, मैरिज, और टॉपिक 9 में आप किनशिप, फैमिली, मैरिज पढ़ते हैं, टॉपिक 8 में आप रिलीजन एंड सोसाइटी पढ़ते हैं। तो आपको इस तरीके से समझना है। टॉपिक 4 तक आपने कंप्लीट कर लिया सोशियोलॉजी। अब टॉपिक 4 के बाद सब कुछ अप्लाइड है। टॉपिक 5 में आप पढ़ते हैं इनइक्वालिटी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, ओके। सो इनइक्वालिटीज, पॉवर्टी, why certain sections in our society have lot of opportunities why not other members of society has. So that is what topic 5. Topic 6 on economical aspects, economical structure, economy and society. Topic 7 politics and society. Topic 8 religion and society. Topic 9 family, marriage, kinship. Topic 10 changes in society. ये सिर्फ 10 टॉपिक है जो कि आपके कवर अप हो जाते हैं पेपर 1 के लिए। अब जब आप पेपर 1 को स्टडी कर लेते हैं, फिर आपका जो सोशियोलॉजी पेपर 2 है, ट्रस्ट मी, जो आपका सोशियोलॉजी पेपर 2 रहता है, उसमें जो आपका पहला टॉपिक है, दैट इज इंडियन थिंकर्स। उसमें भी आपको 3 थिंकर्स पढ़ने हैं, जीएस घूरे, एमएन श्रीनिवास, एयर डिसाइड। उसके बाद जो आपका टॉपिक 2 है, उसमें आप मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि कैसे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म आया, कैसे ब्रिटिश ने इंडियन स्ट्रक्चर को चेंज किया, उसके वजह से कास्ट सिस्टम में क्या इंपैक्ट आया, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको कुछ नया लगेगा। उसके बाद पेपर 2 आप लोगों को ऑलरेडी उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, ओके। फॉर एग्जाम्पल, सम पोर्शन विल बी फ्रॉम योर मॉडर्न हिस्ट्री इन इंडिया, फिर उसके बाद आप डील करते हैं कास्ट सिस्टम इन इंडिया, फैमिली किनशिप इन इंडिया, अबाउट विलेजेस इन इंडिया, impact of industrialization and globalization in India, tribal societies in India, development कैसी हो रही है, ये सारा पार्ट आप इंडियन सोसाइटी के वे में पढ़ते हैं। और इंडियन सोसाइटी का सिलेबस आपकी 15 टू 20 क्लासेस में खत्म हो जाती है। 15 क्लासेस अगर आपकी 3 आवर्स है एंड सो ऑन, क्योंकि ये सारा का सारा अप्लाइड है, इसमें क्वेश्चंस भी इजी आते हैं। तो टिप्स क्या रहेंगी, मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती है फ्रॉम द बिगिनिंग, यू नो कि सिलेबस बहुत क्रिस्पी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सिर्फ आपको थिंकर्स के नाम याद रखने होते हैं और किस थिंकर ने क्या कहा, बस वो याद करना होता है। एंड दिस इज समथिंग वेरी नेचुरली आई टीच टू एस्पिरेंट्स, कोई एफर्ट्स नहीं लगेंगे आप लोगों के। क्लास को सुनते सुनते ही सारे थिंकर्स के नाम आपको याद होंगे, सिर्फ आपको रिवाइज करना है। सो मेन फोकस क्या रहता है, आंसर राइटिंग। अब आंसर राइटिंग के लिए मैं क्या करती हूँ, आंसर राइटिंग के लिए आई हैव लॉट ऑफ टेस्ट। पहले स्टेज में जो टेस्ट होता है वो आपका पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट होता है। ओके, जैसे ही एक टॉपिक खत्म हुआ वैसे ही पीवाईक्यू बेस्ड आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आपने टॉपिक 1 खत्म करा, फिर उसके बाद पीवाईक्यू टेस्ट, टॉपिक 2 देन अगेन टेस्ट, टॉपिक 3 देन अगेन टेस्ट। इस तरीके से ऑलमोस्ट आपके 20 टेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपका स्टेज 2 आता है और एस्पिरेंट्स, ये इसी स्टेज में मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग स्किल्स सिखाती हूँ। जब क्लास पढ़ते हैं तो क्लास में मैं आंसर राइटिंग्स बताती हूँ, कैसे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी 1, बॉडी 2, कंक्लूजन कैसे लिखना है, वो क्लास टेस्ट में। एक क्लास में एक टेस्ट देती हूँ, आप लोग टेस्ट करोगे, उसी वक्त मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपका प्लस पॉइंट क्या है, कहाँ पे आपका वीकनेस है, कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है, वो सब क्लास में डिस्कशन होता है। जब आप पीवाईक्यू टेस्ट करते हो, यहाँ पे आप मिस्टेक्स करते हो, यहाँ पे आप बहुत बारी गिरोगे, यहाँ से इम्प्रोवाइजेशन स्टार्ट होना होता है। ठीक है, और जनरली हो जाता है। फिर आपका एक आएगा स्टेज 2, सेकेंड स्टेज, जहां पे आपको अगेन 20 सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं। ओके, फिर आपका थर्ड स्टेज में एक टेस्ट आता है, दैट इज योर 12 फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, अब आप सोचोगे इतने सारे टेस्ट 3-4 महीने में कैसे कंप्लीट होगा। सो ये जो आपके टेस्ट होते हैं इन सब में पूरा 1 ईयर का टाइम लगता है। ओके, आपका कुछ टाइम के बाद सैटरडेज में टेस्ट रहते हैं। जो भी आपका टाइम टेबल सेट होता है उसमें एक दिन आपको टेस्ट देना होता है। ऑनलाइन एस्पिरेंट्स, क्योंकि ऑनलाइन एस्पिरेंट्स मुझे लगता है कि जब हम ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग लेते हैं उसमें आपका टाइम बहुत सेव होता है, आप घर में ही बैठ के टेस्ट दे देते हो और उसके बाद मैं यहाँ से इवैल्यूएट करके फोन पे आपको 1-to-1 वे में आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस, जो भी मिस्टेक्स है जो आप कर रहे हो, उसमें मैं सॉर्ट आउट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो 1 ईयर का है। ऑलराइट, क्योंकि सारे टेस्ट देते देते इतना टाइम लग जाता है। तो एवरी वीक देयर विल बी अ टेस्ट till you are going to sit for your 2025। तो आप 2025 में जब बैठोगे उस तक मैं इतने टेस्ट के थ्रू आपको प्रिपेयर कर चुकी होंगी। ठीक है, यहाँ पे होने के बाद अब वो बच्चे जो प्रीलिम्स लिख रहे हैं, लाइक प्रीलिम्स लिखने के बाद उन्होंने मेंस प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, उनको एक और 12 टेस्ट मिलता है। प्लस इट इज लाइक क्रैश कोर्स। ठीक है, क्रैश कोर्स जहां पे जितना भी कुछ मैंने पढ़ाया है उसका एक्सक्लूसिव टेस्ट, जो अब सोसाइटी मतलब अभी जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सो ये पूरा 1 ईयर का प्रोसेस होता है। यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको नॉट ओनली इन सोशियोलॉजी बट इट ऑल्सो विल हेल्प यू इन योर जीएस पार्ट। ओके, सो दैट इज वाई मेरा जो अप्रोच है वो बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव है। रिजल्ट आना ही है, आपका रिजल्ट आएगा ही। अगर आप क्लास में कंसिस्टेंट हो, ऑनलाइन लो ऑफलाइन लो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, आपको 350 प्लस आएंगे। आप कुछ चेंजेस देखोगे कि किस तरीके से मेरी हर एक क्लास में आंसर राइटिंग कैसे करनी है, उसके ऊपर 10 टू 15 मिनट्स का कहीं भी ना कभी गाइडेंस मिलेगा। चाहे मैं स्टार्टिंग में बताऊं, मीडियम लाइक यू नो इन द मिडिल ऑफ माय लेक्चर आई विल एक्सप्लेन, और इन द लेटर पार्ट क्लास विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज होगी। ओके जिस तरीके से स्ट्रेंथ है, अगर कोई बच्चा साउथ से है और ही डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश और लाइक यू नो हिंदी, या उनको नहीं समझ में आ रही है हिंदी, तो क्लास विल बी कंप्लीटली इन इंग्लिश, बट जनरली इट विल बी बाइलिंगुअल, मेजरली इट विल बी इन इंग्लिश। ओके सो इस वे में मैं अपनी क्लास को फिनिश करती हूँ। कोई भी टॉपिक आपका छूटता नहीं है। कुछ टॉपिक जो आपके इंडियन सोसाइटी के हैं, कुछ थोड़े बहुत इजी टॉपिक्स हैं, उसमें दूसरी फैकल्टीज भी आके आप लोगों को वो सिलेबस कवर अप करा सकती है। ओके तो बेसिकली दो टीचर्स इन्वॉल्व रहते हैं। हाँ, मेजर पोर्शन, फॉर एग्जांपल आपका पेपर 1 का जो मेजर पोर्शन है वो मैं ही कंप्लीट कराऊंगी, पेपर 2 का भी मैं ही कंप्लीट कराऊंगी। लेकिन जैसे पॉवर्टी बहुत ही जनरल टॉपिक है, ओके इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि आप पेपर 1 में ये सब चीज पढ़ चुके हो। ये जो करंट अफेयर्स, करंट टॉपिक्स है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है जो बहुत ईजी है, वो दूसरा फैकल्टी भी इन्वॉल्व होके आपको सिलेबस कवर अप करा देगा। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको सोशियोलॉजी में समझने के लिए, राइट। और ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शनल है, इसीलिए हर साल टॉप 10 में इसका रिजल्ट रहता है। सो एस्पिरेंट्स, आई होप आपके जो भी डाउट्स थे या हैं वो क्लियर हो चुके हैं। और अगर इसके बाद भी आपको लगता है दैट यू वांट टू हैव 1-to-1 सेशन और आपको मुझसे बात करनी है, तो आप कंसर्न मेंबर से बात कर सकते हैं एंड देन आई विल हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू।